नमस्कार, मैं शिवकुमार शुक्ला। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, पिछले संस्करण में मैंने विशेषण लिया था कक्षा दसवीं के लिए व्याकरण में। आज व्याकरण में मैं वाच्य लेने जा रहा हूँ। वाच्य का मतलब होता है वॉइस, कथन या वाणी। हम अपनी बातों को जो व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने का माध्यम थोड़ा अलग रहता है। जैसे किसी भी वाक्य की संरचना करता प्लस कर्म प्लस क्रिया, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये तीन पर आधारित होता है। इन्हीं तीन के माध्यमों से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वाच्य क्या है। वाच्य मतलब कथन, कहना, वाणी कह सकते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं, एक कृतवाच्य। वाच्य के दो भेद होते हैं, एक कृतवाच्य और एक अकृतवाच्य। दो भेद, एक कृतवाच्य और दूसरा अकृतवाच्य। कृतवाच्य अकृतवाच्य, कृतवाच्य का कोई भेद नहीं होता है। अकृतवाच्य को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक भाववाच्य और दूसरा कर्मवाच्य। भाववाच्य और कर्मवाच्य, हमने देखा कि जो कृतवाच्य है, कृतवाच्य में कर्ता का डायरेक्ट संबंध क्रिया से, कर्ता का डायरेक्ट संबंध क्रिया से होता है। अकृतवाच्य में कर्म का संबंध क्रिया से होता है। अकृतवाच्य में कर्म का संबंध क्रिया से, जिसमें कर्ता मुख्य रूप से नहीं रहता है, वो गौण हो जाता है। हमने देखा कि कृतवाच्य में कर्ता का संबंध क्रिया से होता है और कर्ता के आधार पर भी ही जो क्रिया का वचन और लिंग है वो निर्भर होता है। कर्ता के आधार पर वचन और लिंग बदलता रहता है। अगर ये पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगा, अगर ये स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगा। जबकि अकृतवाच्य में कर्म का संबंध क्रिया से। तो आइए हम एक एक को जानना चाहेंगे। कृतवाच्य से अकृतवाच्य में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ता के बाद हम के द्वारा अथवा से लगाते लगा देते से परसर, इसको कहते हैं पर
सर्ग के द्वारा अथवा से लगा करके हम कृतवाच्य से अकृतवाच्य में बदलते। उसके साथ साथ हम देखते हैं जो क्रिया होती है, क्रिया सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दो क्रिया में बदल जाती है। जैसे जिस प्रकार वह खाता है तो उसे खाया जाता है, यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दो हो जाती है। अब देखने की बातें ये होती है कि जब क्रिया दो होती है तो जो कर्ता, जो कर्तवाच्य में जिस टेंस में जिस काल में वो क्रिया होती है, वही अकर्तवाच्य में भी क्रिया उसी काल में होनी चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह कृतवाच्य से अकृतवाच्य में और भाववाच्य में हम बदल सकते। जैसे आइए जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। अब हमने बताया था कि कर्ता के जस्ट बाद, ये तो अगर साधारण रूप से अगर देखा जाए तो अगर पूछ दिया जाए कि यह कौन सा वाच्य है तो हम सिंपल बता सकते हैं कि केवल मोहन पत्र लिख रहा है, यानी कर्ता का डायरेक्ट संबंध क्रिया से। लेकिन अकृतवाच्य बनाने के लिए हमने बताया था कि कर्ता के जस्ट बाद के द्वारा अथवा से लगा देते, के द्वारा अथवा से लगा देते। अब जैसे मोहन, अब कर्ता के जस्ट बाद, क्योंकि अब इसको गौण हमें करना है तो मोहन के द्वारा पत्र। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यह देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है, उसी टेंस में अकृतवाच्य भी होना चाहिए। जैसे मोहन पत्र लिखता है तो मोहन, उसके बाद कर्ता के बाद जस्ट हम के द्वारा जोड़ दिए, मोहन के द्वारा पत्र लिखता को लिखेंगे लिखा, लिखा जाता है। अब यहां पर देखिए मोहन पत्र लिखता है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो हम यह भी लिखेंगे मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। जबकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं कि मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये चीज बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कृतवाच्य में क्रिया जिस टेंस में है उसी टेंस में हमें लिखने की जरूरत होती है। तो आइए आगे हम बताते हैं कि और भी किस तरह हम अकृतवाच्य से कृतवाच्य से अकृतवाच्य, अकृतवाच्य से कृतवाच्य। अब यहां पर अकृतवाच्य के दो भेद हो गए, पहला भाववाच्य दूसरा कर्मवाच्य। अब भाववाच्य और कर्मवाच्य को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं कि इसमें हमें ये देखना होता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। इन दोनों को पहचानने की सिर्फ एक ही विधि है, भाववाच्य के लिए अकर्मक क्रिया जो रहता है वो भाववाच्य होता है और सकर्मक जो होता है वह कर्मवाच्य होता है। तो ये होता है भाववाच्य और कर्मवाच्य, कुछ अंतर नहीं है, दोनों अकृतवाच्य के भेद ही हैं, दोनों एक समान है। लेकिन दोनों में सिर्फ अंतर यही है कि जिस वाक्य में क्रिया अकर्मक है
वह भाव वाच्य होता है और जिस वाक्य में क्रिया सकर्मक है वह कर्म वाच्य होता है। और एक चीज और देखने की चीजें हैं कि जिस तरह कर्म वाच्य से कृतवाच्य से अकृतवाच्य में बदलते समय हमें एक चीज की और ध्यान जरूरत है, अगर कृतवाच्य में कृतवाच्य में क्रिया बहुवचन स्त्रीलिंग है तो उसको हम भाववाच्य में बदलते समय ये क्रिया बहुवचन जो क्रिया स्त्रीलिंग रहेगी ये अकृतवाच्य में बदलते समय क्रिया पुल्लिंग एक वचन हो जाएगा। कैसे, मैं उदाहरण देता हूं कक्षा में अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, अब हम यहां देखने की चीजें हैं कि अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, अब यहां पर पढ़ा रही है स्त्रीलिंग है, लेकिन जब हम अकृतवाच्य में भाववाच्य में बदलेंगे तब वो क्या हो जाएगा, अध्यापिका के द्वारा अध्यापिका क्योंकि कर्ता के जस्ट बाद हम के द्वारा लगाएंगे, अध्यापिका के द्वारा कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा है, अध्यापिका के द्वारा कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा है। यहां ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर कृतवाच्य में यह क्रिया स्त्रीलिंग है जबकि अकृतवाच्य में कर्ता स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया पुल्लिंग एक वचन हो जाता है, जिस तरह अध्यापिका के द्वारा कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर ध्यान देने से पढ़ाया जा रहा है, ये पुल्लिंग एक वचन हो जाता है, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अब यहां पर बहुवचन हो जाएगा, तो या बच्ची बालिकाएं मैदान में खेल रहे हैं, या बच्चे करेक्ट है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चों के द्वारा यहां पर हो जाएगा, बच्चों के द्वारा मैदान में खेला जा रहा है। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर खेल रहे ये बहुवचन हो गया, लेकिन यहां पर यह पुल्लिंग एक वचन रहेगा। और एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, हमें बार बार मैं बता रहा हूं कृतवाच्य में जो टेंस है उसी टेंस में हम पढ़ाएंगे, नहीं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों के द्वारा मैदान में खेला जाएगा, ये गलत है। हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि वाक्य में टेंस कौन सा है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, उसमें भी अपूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, तो वो चीजें अब यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, खेल रहे हैं तो वही
खेला जा रहा है वही रहेगा। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि वाच क्या होता है, वाचक निकथन होता है, कृतवाच अकृतवाच जिसमें कर्मवाच और भाववाच्य हैं, कर्मवाच और भाववाच्य को अलग करने के लिए या जानने के लिए इसका क्रिया अकर्मक होता है और उसका क्रिया सकर्मक होता है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कौन सा कर्मवाच है और कौन सा भाववाच है। जैसे शिला द्वारा पाठ पढ़ाया गया, शिला द्वारा पाठ पढ़ाया गए, यह भाववाच है। अकर्म क्रिया होने के कारण यह भाववाच में हो गया और पिताजी अखबार पढ़ रहे, तो ये हो गया पिताजी अखबार पढ़ रहे, सकर्मक क्रिया होने के कारण यह कर्मवाच हो गया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के आधार पर हम भाववाच और कर्मवाच को बदलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि कृतवाच से अकृतवाच में बदलते समय भाववाच में क्रिया एक वचन पुल्लिंग होती है। जैसे गायिका गाना गा रही है, जिस प्रकार गायिका गाना गा रही है, गाना गा रही है, सो अब यहां पर ये स्त्रीलिंग है, तो यहां पर क्रिया भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जब हम इसको अकृतवाची में बदल पाएंगे तो गायिका के द्वारा गाना गाया जा रहा है, गायिका के द्वारा गाना गाया जा रहा है। अब यहां पर ये क्रिया पुल्लिंग एकवचन हो जाएगा और यहां पर क्रिया स्त्रीलिंग है, तो ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कृतवाच से अकृतवाच बनाते समय दो क्रियाएं हो जाती है, एक सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया। तो ये दो चीजें कर्ता के बाद के द्वारा अथवा से, उसके बाद सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया हो जाता है। तो बच्चों कृतवाच का पाठ इस प्रकार रहा। हम अब अगले संकलन में क्रिया विशेषण को लेकर आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।